नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए, तो मैंने सिलाई में 18 फंदे डाल लिए हैं। तो डिजाइन बनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और यदि डिजाइन आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्त और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। ये डिजाइन सामने की तरफ से डाला जाता है, तो यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, और आप अपने दूसरे कलर को अटैच कर लें। फिर 4 फंदा सीधा अपने सेकेंडरी कलर से, हम 4 फंदा सीधा बनेंगे। फिर प्राइमरी कलर से 2 फंदे सीधे। तो इन्हीं 6 फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। 4 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा और 2 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा। 4 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा और 2 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड, तो सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे, जो जिस कलर का है उसी कलर से उल्टा। जो जिस कलर का है उसी कलर से उल्टा बुनते हुए सेकेंड लाइन कंप्लीट कर ली जाएगी। तो हमने सेकेंड लाइन कंप्लीट कर लिया। डिजाइन का थर्ड रो और सामने से तीसरा लाइन पहली लाइन की ही तरह बुना जाएगा, यानी कि 4 फंदे सेकेंडरी कलर से सीधे, फिर 2 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर 4 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा और 2 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा। तो इन्हीं 6 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड, 2 फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, 4 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा और फिर 4 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। तो इन्हीं 6 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, 2 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर 4 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर 2 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा और 4 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। अब देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन 2 फंदा आगे बढ़ गया है। अब ये लास्ट का जो 2 फंदा था वो अब यहाँ पे शुरू में आ गया है, और फिर 4 फंदा सेकेंडरी कलर से, 2 फंदा प्राइमरी कलर से, 4 फंदा सेकेंडरी कलर से और 2 फंदा प्राइमरी कलर से, यानी 6 फंदों का क्रम चलना शुरू हो गया है। अब ये 6th लाइन है और रॉन्ग साइड, तो 4 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, 2 फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, यानी इन्हीं 6 फंदों का को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। 4 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा और 2 फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा। 7th लाइन और सामने से, 7th लाइन 5th लाइन की तरह बनाया जाएगा, यानी 2 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर 4 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, और इन्हीं 6 फंदों को पूरी लाइन में दोहराया जाएगा।
आठवीं लाइन और रॉन्ग साइड, चार फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा और इन्हीं छह फंदों को पूरी लाइन में दोहराया जाएगा। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, अब फिर दो फंदा पीछे का दो फंदा वापस सामने आगे की तरफ आ जाएगा, यानी दो फंदे सेकेंडरी कलर से सीधे, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा और दो फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। तो इन्हीं छह फंदों को पूरी लाइन में दोहराया जाएगा। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे, यानी दो फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर दो फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर दो फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा और दो फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। रॉन्ग साइड से दसवीं लाइन और रॉन्ग साइड, दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, फिर दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। तो इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। ग्यारहवा लाइन और सामने से, ग्यारहवा लाइन नौवे लाइन की तरह बना जाएगा, यानी कि दो फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर दो फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। जिस कलर का जो फंदा दिखाई दे रहा है उसी कलर से हम उसे उल्टा बुन लेंगे। तो हर रॉन्ग साइड में हमें यही करना है, जिस कलर से भी जो फंदा दिखाई दे रहा है उसी कलर से उसको उल्टा बुन लेना है। अब ये देखिए, फिर हमारा ये चार लाइन कंप्लीट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि चार लाइन कंप्लीट होने के बाद डिजाइन दो फंदा आगे आ जा रहा है। ये देखिए, ये लास्ट का दो फंदा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ से दो फंदा उठ के यहाँ पे आ गया, यानी कि अब 13वें लाइन में यहाँ से दो फंदा यहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी यहाँ पे चार फंदे सेकेंडरी कलर से होंगे, यानी कि अपना पहला लाइन। तो 13वें लाइन से अपना फिर पहला लाइन शुरू हो जाएगा। तो 12 लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है। और देखिए, डिजाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।